मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो चलिए फिर मैं एक बार अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। तो चलिए नज़र बना कर रखिए, देखिए इधर पर ही एक दलान है जहाँ पर फिर कोई सांप है। तो आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है, नज़र बना के रखिए। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, यही है वाटर स्नेक। वाटर स्नेक सप्पा, वाटर स्नेक पानी वाला सांप है, जिसको ठेठ हिंदी देहात में कहते हैं पानी वाला सांप। तो ये सब सांप से डरना नहीं चाहिए, और ये घर के आसपास अधिकतर रखनी, ठंडा के मौसम है तो पानी में ना रह करके जमीन पर घूमते रहता है। तो ये सब सांप से हथियाना नहीं चाहिए। अरे नज़र बना कर रखिए, लोग यहाँ पर डर रहे थे इसलिए मैंने पकड़ लिया है। और अगर ये काट भी लेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपके सामने इसे मैं रिलीज भी कर देता हूँ, नज़र बना करके रखिए। आइए जरा आगे हट करके छोड़ देता हूँ। तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों, जो अभी मैंने रेस्क्यू किया था तो आपको नेर के सामने मैं इसे रिलीज भी कर देता हूँ। यहाँ पर इन्हें मैं देखिए जा कैमरा इधर घुमाइए, देखिए इधर बड़ा तालाब है, तो तालाब में इसको रहने के लिए जगह अच्छा है। तो चलिए मैं इसी में इसे रिलीज कर देता हूँ, नेर बना के रखिए। जूम करके थोड़ा बढ़िया से दिखाओ और नज़दीक सदम और नज़दीक में। तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों, इसे पहचानिए, ये पानी वाला सांप है, और ये अगर काट भी ले तो आदमी को कोई मैंने दिक्कत नहीं है। तो ये सांप से घबराइएगा नहीं और ना किसी भी सांप को मारिएगा। तो चलिए मैं इसे छोड़ता हूँ, अगर बात कुछ ज़रूरी बातें बता दूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो एक जरूरी बातें जो बताता हूँ उस बातों पर कम से कम ध्यान दीजिएगा और उस बातों पर अमल कीजिएगा कि ताकि कोई भी सांप अगर बाइट करे तो मेरा लक्ष्य यही है कि सर्पदंश से किसी का मौत ना हो। तो कृपया कर करके जो मैं बातें बताता हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि जब भी कोई भी जहरीला सांप अगर बाइट करे तो कृपया कर करके आप झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा निश्चित ही मौत है। तो मौत से बचने के लिए आप सबसे प्रथम उपचार करें तो अपना पूजा घर में जाइए। पूजा घर में ना कुछ मिलेगा तो कपूर ज़रूर मिलेगा, और मेरे दोस्तों ये कपूर का ही काम है जो कि आपको 4 घंटा आपको कुछ भी नहीं होने देगा, ये मैं वादा करता हूँ। कपूर निकालिए, 4-5 टीके निकालिए, उसको बुकिए और पोटली बनाइए, नाक पर रह करके थूक कस के टानिए, तो उससे क्या होगा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन जो है वो धीमा कर देगा, तेज नहीं होने देगा, तो विष फैलेगा नहीं, विष एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको 4 घंटा कुछ भी नहीं होगा, जब तक कि आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी सदर हॉस्पिटल है वहाँ आप जा सकते हैं। तो आराम से जाइएगा और वहाँ आपको उसी का एंटीवायनम जो भी पड़ेगा तो उससे आप ठीक होकर के बढ़िया से आप घर वापस आ जाइएगा। तो मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ, जो मैंने बात बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर आपको
देखो प्रश्नों का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।